जब भी भक्तों का जिक्र होता है तब सबके जुबान पर एक ही नाम आता है, भक्त प्रहलाद का। कश्यप प्रहलाद के पिता, जो खुद को भगवान समझते थे और अपने आगे किसी को भी नहीं रखते थे। राजा हिरण्यकश्यप के सामने क्या अस्तित्व है तेरे श्री हरि का? मैं ब्रह्मा के वरदान से अमर हो चुका हूँ, तेरा श्री हरि मुझे तुच्छ हानि भी नहीं पहुँचा सकता। तू मेरा पुत्र होकर श्री हरि की पूजा करता है? राजा हिरण्यकश्यप ने किया अपना पहला वार, कर दिया भक्त प्रहलाद पर सांपों का प्रहार। न कुछ सोचा न समझा, बिठा दिया अपने पुत्र को गरम तेल की कढ़ाई में। राजा ने किया अपना दूसरा वार, मेरी बहन होलिका को अग्नि वरदान है। प्रहलाद, आज तुम अग्नि परीक्षा दोगे, देखता हूँ आज तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। आज तो तू अग्नि में भस्म हो ही जाएगा। ओम हरि नारायणाय नमः। इसी तरह प्रभु नारायण ने प्रहलाद को बचाया और होलिका को नष्ट किया। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए हम होलिका दहन मनाते हैं। अनेक परीक्षाओं के बाद भी श्री हरि की भक्ति के प्रति भक्त प्रहलाद में कोई बदलाव नहीं आया और यही बात राजा हिरण्यकश्यप को खल रही थी। बुला तेरे श्री हरि को, देखता हूँ वो आज तुझे मुझसे कैसे बचाता है। और इसीलिए परम पूज्य विष्णु को अपना सबसे क्रूर अवतार धारण करना पड़ा, श्री नरसिंहा का। Come.